Our goal is to take you one step forward towards your uniform. But एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस आपके उस एक स्टेप फॉरवर्ड में जो आपको फेस करने के लिए होता है, दैट इज लैक ऑफ अडेप्ट इन इंग्लिश. जो आप प्रॉपरली अपने स्पीचेस, अपने पीपीटी, अपने लेक्चरेट को इंग्लिश में नहीं दे पाते हैं, दैट इज़ द मेजर हिंड्रेंस जो आपको अपनी यूनिफॉर्म के लिए एक स्टेप लेने से रोक रहा है. तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. लेट्स बी अ सोल्यूशन फाइंडर रादर दैन अ प्रॉब्लम स्ट्रगलर. सो बेसिकली जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचते हैं हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश इन SSB. देखिए ऐसे इंग्लिश की जो ज़रूरत है हमारी SSB में, वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? PPDT, उसके बाद योर लेक्चरेट, देन योर GD. सो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम क्या फेस करने को पड़ रही है? लैक ऑफ कंटेंट इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी. अंदर की इंग्लिश शेक्सपियर, बाहर आते आते जेठालाल, उसको रोकना है. इस जेठालाल की इंग्लिश को एक प्रॉपर इंग्लिश बनानी है. स्टम्बल फंबल ये करने से रोकना है खुद को. यू गेट टंग टाइड इन इंग्लिश, नर्वसनेस विच लीड्स टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मेक इट वेरी सिंपल, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, एंड इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड. इंग्लिश एक कम्युनिकेशन स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है. इट इज नथिंग अ रॉकेट साइंस जिसको आप कभी पा ही नहीं सकते. डू नॉट टेक इट समथिंग एज अ बैरियर, डू नॉट अंडरस्टैंड इट एज अ बैरियर, टेक इट सिंपली एज अ लैंग्वेज. नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? सबसे पहले, कम्युनिकेशन स्किल्स डज नॉट मीन पावर ऑफ लैंग्वेज, बट दे मीन पावर ऑफ एक्सप्रेशन. ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. ये आपकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए कोई भी माध्यम नहीं है. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर इंटेलिजेंस, रादर इट टेस्ट्स योर लैंग्वेज. ये सिर्फ एक लैंग्वेज है और उसको एक लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करें. यू कैन मास्टर इंग्लिश 3 महीने, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, और डिटरमाइंड 3 मंथ्स. ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन आपने कोशिश करी, अगले दिन आपने छोड़ दिया. लेट मी डू इट टुमारो, टुमारो नेवर कम्स. टुडे इज द टाइम जब आपको कोशिश करना पड़ेगा. अगर आप डिटरमाइंड हैं, 3 मंथ्स इज मोर देन इनाफ फॉर यू टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, फॉर यू टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. द 3 फॉर्मूलाज विच आई फॉलो एंड अर्ज यू टू फॉलो, रीड, राइट, स्पीक. पहला, रीड. रीड एनीथिंग यू राइट. Whatsoever you like, just read. Don't ask me, ma'am, which book should I read? Just read whatsoever you like. You like poems? Read it. You like stories? Read it. You like vlogs? Read it. You like movies? Read it. Watch it. Read it. Whatsoever. You like novels? Read it. You like horror movies? Your horror stories? Read it. Just read. Read good. Read from magazines. Read from newspapers. Read from vlogs. Whatsoever good you find, read that. Whatsoever builds you, read that. Second, write. Whatever you feel, write. आपको लिखना पड़ेगा. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, PPT हो, PIQ फॉर्म हो, आपको लिखना पड़ेगा. यू हैव टू राइट इन दैट. मेक सिंपल सेंटेंसेस, डोंट गो फॉर कॉम्प्लेक्स वन. छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करिए. शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, वाई नॉट नाउ. स्पीक व्हाटएवर यू हैव रेड, व्हाटएवर यू हैव रिटन, ट्राई टू स्पीक दैट. डोंट लेट अदर्स अफेक्ट योर कॉन्फिडेंस. दूसरे हंस रहे हैं अगर आपके बोलने पे, वो बात आपको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. यू हैव टू बी अ डिफेंस एस्पिरेंट, नॉट दे. बी डिटरमाइंड. अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको खुद को पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है. ओनली देन यू कैन अचीव दैट. नो करेक्ट फोनेटिक्स. बिकॉज कोई वर्ड नहीं है. बिकॉज गलत. बिकॉज सिंपल एंड ईजी. बिकॉज हायरार्की, नो. इट्स हायरार्की सीक्वेंस, हायरार्की. करेक्ट फोनेटिक्स को सीखें, सही से प्रोनाउंस करना सीखें. सी गुड, वॉच एंड रीड गुड. ट्राई टू डाइवर्स योर होराइजन. डू नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड. वहीं पर बस मत लगे रही कि बस जितना हमें आता है वेल एंड गुड. नो, इट इज़ नॉट इनफ. नेवर इज इनफ. हमेशा सीखने की कोशिश करें. ओनली देन यू कैन बिल्ड योर लैंग्वेज, एंड ओनली देन यू कैन बी कॉन्फिडेंट, एंड ओनली देन यू विल बी फाइनली रिकमेंडेड. जय हिंद.